मखसूस नशस्तों के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया और खत में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला काबिल अमल ना रहा, जिन्हें यकीन है कौमी असम्बली ने पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट। आपको ये भी बताएं कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट और जमहूरी असूलों को बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का गजट नोटिफिकेशन 7 अगस्त को जारी हो चुका है, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली के खत के बाद 41 अरकान की हैसियत आज़ाद रहने का इम्कान है। इन अरकान की हैसियत का हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन स्पीकर कौमी असम्बली के खत के बाद करेगा। मखसूस नशस्तों के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया और खत में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला काबिल अमल ना रहा, जिन्हें यकीन है कौमी असम्बली ने पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट। आपको ये भी बताएं कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट और जमहूरी असूलों को बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का गजट नोटिफिकेशन 7 अगस्त को जारी हो चुका है, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली के खत के बाद 41 अरकान की हैसियत आज़ाद रहने का इम्कान है। इन अरकान की हैसियत का हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन स्पीकर कौमी असम्बली के खत के बाद करेगा।